कभी सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में शामिल रहने वाले माफिया और अपराधियों के पांव तले की जमीन अब खिसक गई है। योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन और प्रहार से बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग की सांसें फूल रही हैं। फिर भी विपक्ष निशाना साधने और चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा। बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा, मुख्तार अंसारी के वसूली गैंग पर एक्शन, दोनों बाहुबलियों के खिलाफ जारी है एक्शन। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जो बाहुबली और माफिया सरकार के पक्ष में खड़े हैं, सरकार उनके साथ है। ब्रजेश सिंह और दूसरे माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कानूनी कार्रवाइयां होनी चाहिए। वो चार मकानों पर, दो मकानों पर बुलडोजर चला के आप कार्रवाई करने का जो दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ फोटोशूट अपॉर्चुनिटी और वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि मैंने ये कार्रवाई कर दी, वो कार्रवाई कर दी, लेकिन जनता को सिर्फ इतना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध कम होना चाहिए। लेकिन अपराध तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार चोरी, डकैती, हत्याएं, लूट मार, बलात्कार, अपहरण, अब तो माउ लिंचिंग भी शुरू हो गई। विपक्ष के तीखे हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। लगातार गाजीपुर से गाजियाबाद तक मुख्तार अंसारी, अतीक, राजू सिंह, सुरेश सिंह, कुंटू सिंह, कोई सुंदर भाटी, कोई ऐसा बड़ा अपराधी नहीं जिसके खिलाफ अभियान न चलाया गया हो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी ने अपराध किया है तो बिना यह देखे कि वो किस पार्टी का है, किस जात का है, कितना प्रभावशाली है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। यूपी में माफिया नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को ये सख्त संदेश है कि कानून के आगे कोई भी बाहुबली नहीं है। समाज में भय पैदा करने वाले जिन लोगों के तार अपराध और अपराधियों से जुड़े हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी के वसूली गिरोह का सुरेश सिंह हो, कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी हो, राजू सिंह और कुंटू सिंह के काले साम्राज्य को भी समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।